कूलर के बदले कूलर न देने पर शिक्षक ने अपने ओरछा थाने में पदस्थ दामाद से कहकर दुकानदार की मारपीट करा दी। साथ ही धमकी दिलाई कि ससुर को कूलर बदल कर दो और आरक्षक को भी 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरह का एक मामला एसपी कार्यालय में सामने आया, जबकि पीड़ित का क्षेत्र थाना सिटी कोतवाली लगता है। पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन सौंपते हुए पीड़ित राकेश कुमार अहिरवार ने बताया कि वो अपने घर पर अलमारी बक्से बनाने का काम करता है। 18 अप्रैल को शाम 6 बजे अंबेडकर नगर निवासी शिक्षक रामलाल अहिरवार आए और उन्होंने कूलर बनवाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद वो कूलर शिक्षक को पसंद नहीं आया, जिसको लेकर दुकानदार और शिक्षक के बीच विवाद हुआ। शिक्षक ने दुकानदार और उसके कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और धमकी दी गई कि वो अपने ओरछा थाने में पदस्थ दामाद से कहकर न सिर्फ लताड़ लगाएंगे बल्कि एक कूलर के बदले 2 कूलर ही देने पड़ेंगे। पीड़ित ने बताया कि दूसरे दिन ओरछा थाने में पदस्थ भगवान दास अहिरवार पुलिस बल के साथ आए और थाने ले गए, जहां पर मेरे और भाइयों के साथ आरक्षक के द्वारा मारपीट की गई और धमकी दी गई कि ससुर को 2 कूलर दो और साथ ही 10,000 रुपए मुझे भी देना पड़ेंगे। इस पूरे मामले में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर शिक्षक और ओरछा थाने में पदस्थ आरक्षक पर कार्यवाही की मांग की है। मेरा रामलाल अहिरवार से विवाद हुआ है, वो कूलर लेने आए थे हाँ, जो मैंने मना कर दिया देने के लिए, तो उन्होंने मुझे धमकी दी है और धमकी देने के बाद उन्होंने मेरी रिपोर्ट कर दी, तो उनको दामाद है जो पदस्थ ओरछा थाने में भगवान दास अहिरवार अरक्षक, तो उन्होंने लेके गए हैं, मेरे साथ मारपीट की है, मेरे दोनों भाइयों के साथ मारपीट की है। बस रिपोर्ट की वजह कूलर है, मैंने कूलर नहीं दिया तो उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने रिपोर्ट कर दी।